एवरीवन, मैं हूं तृप्ति। वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आपका मन है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और नहीं भी है तो प्लीज कर दीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो आज मेरा यही टॉपिक है। आज मैं इसी चीज पे बात करने वाली हूँ। हम लोग इसी चीज में उलझे रह जाते हैं कि अगर मैंने ये कपड़े पहन लिए तो वो लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने ये जॉब कर ली तो मेरी फैमिली वाले क्या कहेंगे, या आस पड़ोसी क्या कहेंगे, जिनका हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, हम उन लोगों तक के बारे में सोच लेते हैं कि वो क्या कहेंगे। और जबकि उन्हें कोई पड़ी नहीं होती है हमारी, चाहे हम गड्ढे में जाए। पैंडेमिक के टाइम में, कोविड के टाइम में, हमें एक चीज तो ऊपर वाले ने, भगवान ने ये सिखाई दी है कि कुछ भी कंडीशन हो आपको खुश रहना है, स्ट्रेस लेके कुछ भी नहीं होना है। जो कंडीशन आई है उसे हमें फेस ही करना है, चाहे रोके करना है, चाहे हंसके करना है, तो क्यों ना हंसके किया जाए। तो आपको सबसे पहले क्या चीज सीखनी है, आपको सेल्फ लव सीखना है, अपने आप से प्यार करना सीखना है। आप चाहे मोटे हो तो आपको दुनिया कहेगी अरे बहुत मोटे हो गए हो, कोई डाइट वाइट नहीं करते क्या। बहुत सारे लोग बहुत पतले होते हैं, और जो बेचारे बहुत मेहनत से पतले होते हैं तो उनको भी लोग कहते हैं क्या हुआ, बीमार हुए थे क्या, बहुत पतले लग रहे हो आजकल। तो आप अगर मोटे हो, आप चाहे पतले हो, दुनिया तो आपको हर तरीके से आपको टोकेगी कि मोटे हो या पतले हो। तो आपको, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने भी, अगर कोई हेट कमेंट आ जाता है तो हम उसे पूरा दिन बैठ के सोचते हैं कि यार ऐसा कमेंट क्यों कर दिया, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अगर हम सोचे, इतने सारे हमारे आसपास हमें प्यार करने वाले लोग हैं, बहुत सारे हमें अच्छे कमेंट्स करते हैं, उसमें से एक हेट कमेंट आ जाता है तो हम उसी पे अटक जाते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए हम क्यों नहीं उन सब अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स को, हम जो हमें प्यार कर रहे हैं या हमें प्यार दे रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में अगर हम सोचें, उस एक कमेंट को साइड में रख दें तो हमारी लाइफ कितनी इजी हो। तो ये सबसे पहला मंत्रा है खुश रहने का, कि अवॉइड नेगेटिव पीपल इन योर लाइफ। एंड जो भी आपके आसपास आपको प्यार करने वाले, आपके आसपास पॉजिटिव पीपल हैं, आप उनसे बात कीजिए, आपको अच्छा लगता है उनसे बात करना, उनकी आप अच्छे कमेंट्स को सराहिए उनके। तो ये तो हो गई एक चीज़। दूसरा, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्टिव लाइफस्टाइल। आप मोटे हैं, पतले हैं, कैसे दिखते हैं, आप हर तरह से सुंदर हैं, भगवान ने हर किसी को खूबसूरत बनाया है। कुछ भी ये लुक मैटर नहीं रखता है, मैटर रखता है आपका व्यवहार, कि आप किसके लिए कितना, आपका अच्छा दिल। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर आप जंक फूड खा रहे हैं, सुबह से शाम तक बैठ के चिप्स खा रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ खा रहे हैं जिससे आपकी बॉडी को हार्म हो रहा है, या वो चीज़ें आपके लिए हार्मफुल है, तो आप को एक सिग्नल मिलने से पहले, कोई भी, कि आपको कोई डिजीज़ हो, उससे पहले ही आप सचेत हो जाइए। आप उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, अपनी अपने आप को प्यार करना, मतलब अपनी हेल्दी, अपनी बॉडी को हेल्दी रखना, अपने आप को खुश रखना। आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी तो आप नेचुरली खुश रहेंगे। दूसरा, दूसरों के हाथ में अपनी लाइफ का कंट्रोल बिल्कुल मत दीजिए, कि अगर दूसरों को कैसा लगता है, दूसरों को कैसा लगेगा, या लगता है, आई डोंट केयर। केयर कीजिए जो आपके भले के लिए, आपके अच्छे के लिए सोचते हैं, आपकी फैमिली है, आपको प्यार करने वाले हैं, उनके बारे में सोचिए। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपकी लाइफ से, आप जिए मरे झेरे में जाए, वो आपको कह रहे हैं कि बहुत मोटी हो गई है, बहुत पतली हो गई है, या जॉब क्यों कर रही है, घर के काम में इतनी सारी हेल्पर्स लगाई हुई है, घर का काम करना नहीं आता। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। तो उन लोगों को अपनी ज़िंदगी का रिमोट बिल्कुल मत दीजिए, अपनी ज़िंदगी का रिमोट अपने पास रखिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखिए। सामने वाले का क्या है, वो आपको गुस्सा दिलाएगा, आप झट से उस पर रिएक्ट करेंगे। मैं इन चीज़ों भुगत चुकी हूँ, इन चीज़ों को। कोई भी एक चिंगारी लगाने की देर थी और मैं ऐसे भड़क जाती थी। सो वो चीज़ें दूसरों को हार्म नहीं करती है, वो हमें हार्म करती है। हम रिएक्ट करते हैं, हम बोलते हैं, और वो सब चीज़ें उल्टा हमें ही भारी पड़ जाती हैं। तो
तो ना तो दूसरों को कंट्रोल दीजिए अपनी लाइफ का, ना दूसरों को इस चीज का मौका दीजिए कि आप अपना कंट्रोल खो दे। तो स्ट्रेस फ्री लाइफ जीजिए, अपनी अपने आप को प्यार कीजिए, अपनी आदतें, अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल बनाइए अपने आप को, और अपने खाने पीने का ध्यान दीजिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। इस कोविड में, इस पैंडेमिक में, पीरियड में बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, हर कोई डिप्रेस है कि कैसे हम निकलेंगे इस मुसीबत के टाइम से। तो प्रे कीजिए उन लोगों के लिए जो इस मुसीबत को झेल रहे हैं, इस डिजीज़ को झेल रहे हैं, और आप सब हैप्पी रहिए। पॉजिटिव थिंकिंग से ही हम इस चीज़ से लड़ सकते हैं। सो बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, लव योर सेल्फ, और अपने आसपास का माहौल पॉजिटिव रखिए। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय।